हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको क्रोम ब्राउजर में वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है हाउ टू फिक्स दिस साइट कैन नॉट प्रोवाइड ए सिक्योर कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सलूशन देने वाला हूँ। वीडियो में वन बाय वन करके आपको जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना ध्यान से देखना, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। आप लोगों को मैं 2 से 3 स्टेप में ये सेटिंग करके आपको बताने वाला हूँ, जिसे आप समझ लेंगे तो बड़े आसानी से आप कोई भी साइट अपने क्रोम ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। तो इसमें पहली सेटिंग के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, पहले स्टेप के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले आपको अपने सेटिंग वाले आइकन में इसमें जाना होगा। तो सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ ऊपर की साइड स्क्रॉल करते हुए जाएंगे और जाने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन एंड परमिशंस में जाना है। एप्लीकेशन परमिशंस में जाने के बाद अब यहाँ पे आपको ऐप मैनेजर में जाना है। ऐप मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना एक क्रोम ब्राउज़र आपको यहाँ पे अपना ढूंढ लेना है, और ढूंढने के बाद अब इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आपको परमिशंस में चले जाना है। और परमिशंस में चले जाने के बाद अब यहाँ पे आपके सामने जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सबको अलाउ करके रखना है, और यहाँ पे आप लोकेशन वाले को भी सबसे पहले चेक करेंगे, और यहाँ पे लोकेशन आपका हमेशा अलाउ या ऑन रहना चाहिए। फिर इसके बाद आप ऊपर की साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डॉट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑल परमिशन पे क्लिक करके यहाँ पे सारे चीज़ को यहाँ पे ऑल कर देंगे। और इसके बाद यहाँ से अब हम बैक आएंगे, और बैक आने के बाद अब यहाँ पे आपको परमिशन मैनेजमेंट में जाना है। इसमें जाने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉल और नॉट्स ऐप, इसके ऊपर जाएंगे, और इसके ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पे आप अपना क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर देख लेना है कहाँ पे है, इसके ऊपर हम जाएंगे। और जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे ऑफ होगा, तो इसको यहाँ से आपको ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद अब फिर से यहाँ से हम बैक आएंगे। स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों अब आपको दूसरे स्टेप में जाना है। दूसरे स्टेप में जाने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। अब क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की साइड 3 डॉट्स, इसके ऊपर अब हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे सेटिंग वाले आइकन में जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे ऊपर की साइड स्क्रॉल करने के बाद अब यहाँ पे साइट सेटिंग में जाना है। साइट सेटिंग में जाने के बाद अब यहाँ पे आप सबसे पहले कुकीज वाले ऑप्शन में जाएंगे। कुकीज वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज इनकॉग्निटो, इसी वाले पे आपको क्लिक करके रखना है। आप अपना देख लेना, आपको चाहे इस वाले लास्ट वाले पे हो या चाहे तीसरे वाले आइकन पे हो, जैसे ब्लॉक थर्ड पार्टी एंड कुकीज पे, तो यहाँ से आप हटा के इसको आप दूसरे नंबर पे ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज इनकॉग्निटो वाले मोड पे आपको चले जाना है, और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके आपको फिर यहाँ से बैक कर लेना है। और बैक करने के बाद अब यहाँ पे आपको यहाँ पे लोकेशन वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका लोकेशन ज़्यादातर से लोगों का यहाँ ऑफ ही मिलता है, तो यहाँ पे इसको आपको ऑन करके रखना है। और ऑन करने के बाद फिर यहाँ से हम बैक आएंगे। यहाँ बैक आने के बाद ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉपअप एंड रीडायरेक्ट, यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑन होगा, तो इसको यहाँ पे आप इसको ऑफ रखेंगे, और ऑफ रखने के बाद फिर यहाँ से हम बैक आएंगे। और बैक आने के बाद ऊपर की साइड हल्का सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड सिंक, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, और ये हमेशा यहाँ से आपको ऑन ही रखना है दोस्तों। अगर आपका ऑफ होगा तो इसको ऑन ही रखना है, और ऑन करने के बाद फिर से बैक आएंगे, और लास्ट में आपको एक यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एड्स दिखाई दे रहा होगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद ये आपका ऑन होगा। ये एड्स ऑन होने से आपके क्रोम ब्राउज़र में जो बराबर नोटिफिकेशन आती हैं, जो ऊपर की साइड ये जैसे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें ऐसे क्रोम ब्राउज़र के द्वारा जो आती हैं ये सब यहीं से आती हैं, इसको आप
इसको यहाँ से ऑफ रखेंगे, और ऑफ रखने के बाद अब ये आपका दूसरा स्टेप पूरा हो गया, और यहाँ से अब आप यहाँ से पूरा बैक आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों अब आपको तीसरा वो लास्ट इम्पोर्टेंट जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरी है करना, और इसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर की साइड आप थ्री डॉट्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हिस्ट्री, इस हिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाएंगे, और हिस्ट्री में ऑप्शन में जाने के बाद अब यहाँ पे आप ऊपर की साइड देख सकते हैं क्लियर ब्राउजिंग डाटा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको बेसिक में आ जाना है, और बेसिक में आने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउजिंग हिस्ट्री, जैसा कि हमने चेक मार्क कर रखा है आपको भी इसे चेक मार्क करके ऑन रखना है। कुकीज एंड साइट डाटा, ये यहाँ से इसको अनचेक रखना है। चेक इमेज एंड फाइल्स, इसको भी आपको अनचेक ही रखना है। और इसके बाद अब आपको एडवांस वाली सेटिंग में जाना है। एडवांस वाली सेटिंग में जाने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राउजिंग हिस्ट्री, यहाँ पे जो इसको चेक करके रखना है कुकीज़ एंड साइट डाटा, यहाँ से इसको अनचेक करके रखना है। जैसे जैसे हमने यहाँ पे करके रखा है आप उसी को फॉलो करते रहिए दोस्तों। चेक इमेज एंड फाइल्स, इसको चेक करके रखना है। सेव पासवर्ड को अनचेक, आपकी मर्जी है, चाहे इसको अनचेक करके रखें चाहे चेक करके रखें, इससे कोई भी दिक्कत ना होने वाली। ऑटो फिल फ्रॉम डाटा, इसको चेक करके रखेंगे। साइट सेटिंग, इसको भी चेक करके रखेंगे। और चेक करके रखने के बाद अब यहाँ पे आप ऊपर की साइड यहाँ पे टाइम रेंज यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट फोर यू, इसको भी हम यहाँ से लास्ट आवर्स में कर देंगे। और करने के बाद अब यहाँ से हम सीधे इसको यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आ जाने के बाद लास्ट में अपने फ़ोन को री स्टार्ट करें, और मोबाइल का डाटा ऑन करके अपनी वो वेबसाइट जो है उसको आप एक बार यहाँ से अपना ओपन करें। जब आप अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो बड़ी आसानी से यहाँ से ओपन हो जाएगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।